क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आईपीएल के आगाज में अब सिर्फ कुछ ही दिन का वक्त बचा है और इस बार आईपीएल बेहद खास होने वाला है। दो नई टीमें आई हैं तो कई टीमों के कप्तान भी बदले गए हैं, कई खिलाड़ी इधर से उधर हुए और बेंगलुरु भी उन्हीं टीमों में शामिल है जिनका कप्तान बदला गया। ऐसे में संडे यानी कि 27 मार्च को आरसीबी का पहला मुकाबला होगा। फाफ डू प्लेसी की कप्तानी में पहली बार आरसीबी खेलने जा रही है और ऐसे में पंजाब के खिलाफ इस मैच में विराट कोहली के साथ मिलकर फाफ ने जो टीम बनाई है, जो टीम बेंगलुरु की होने वाली है, वो बेहद खास है क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही बॉलर्स को जगह मिल रही है और गोवा के तूफान की सीधी लेटरल एंट्री हो रही है। तो आपको बताते हैं आरसीबी की टीम जिसे लेकर आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस बार कितनी ताकतवर है आरसीबी की टीम और क्या इस बार फाफ की कप्तानी में होगा कमाल, कमेंट जरूर करें। तो विराट कोहली अब हर तरह की कप्तानी छोड़ चुके हैं और इसीलिए विराट की जगह पर अनुभवी फाफ डू प्लेसी को आरसीबी का कप्तान बनाया गया है जो कि धोनी की सीएसके खेमे से यहां पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है कि धोनी के गूढ़ नियमों को यहां भी लागू करेंगे और धोनी की रणनीति की झलक यहां आरसीबी कैंप में भी देखने को मिल सकती है और विराट की आक्रामकता तो यहां पहले से ही मौजूद है। तो ऐसे में आरसीबी की टीम इस बार बेहद खास बनने जा रही है और सबसे खास बात यह है कि सिर्फ दो ही बॉलर्स पर भरोसा जताया गया और ऐसा ही कॉम्बिनेशन यहां पर तैयार किया गया। तो सीधे टीम पर आते हैं। फाफ डू प्लेसी सीएसके के लिए ओपन करते रहे और यहाँ आरसीबी के लिए भी ओपनिंग फाफ डू प्लेसी ही करेंगे लेकिन फाफ का साथ देंगे यहाँ पर विराट कोहली। जी हाँ, विराट कोहली इस बार बतौर ओपनर आईपीएल में खेलने वाले हैं। आरसीबी मैनेजमेंट ने साफ कर दिया है कि वो अपने दो सबसे बड़े खिलाड़ियों से ही ओपन कराएंगे यानी कि फाफ और विराट की जोड़ी यहाँ पर पहली बार एक साथ खेलने आएगी, ओपनिंग करने आएंगे। अब टीम में तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा जुआ खेला गया है क्योंकि एक ऐसे खिलाड़ी को जगह दी गई है जिसे कोई जानता नहीं है मगर आरसीबी ने उसके हुनर को जांचा है, परखा है। गोवा के सुयश प्रभुदेसाई को आरसीबी की टीम में जगह मिली है। नेट्स पर सुयश ने जबरदस्त शॉट्स दिखाए हैं, लंबे छक्के लगाए हैं और घरेलू मैचों में भी उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी बेहद खास होती है और इसीलिए सुयश को तीसरे नंबर पर बड़ा मौका दिया जा रहा है। और यही नहीं, सुयश प्रभुदेसाई मीडियम पेस गेंदबाजी भी करते हैं। चौथे नंबर पर एक और अनुभवी खिलाड़ी और अब भारत के दामाद बन चुके ग्लेन मैक्सवेल खेलने आएंगे और आरसीबी से जुड़ने के बाद मैक्सी के अंदाज में, मैक्सी के खेल में जो बदलाव आया है वो बेहतरीन है, चाहे वो बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी, वो कमाल के दिख रहे हैं और मैक्सी एक बार फिर से आरसीबी के लिए धमाल मचाएंगे। पांचवें नंबर पर अब तक सीजन में आरसीबी के लिए एबीडी खेलते रहे लेकिन इस बार डीके आएंगे यानी कि दिनेश कार्तिक। एबीडी संन्यास ले चुके हैं और कार्तिक को आरसीबी ने बतौर विकेट कीपर खरीदा है और कार्तिक यहां पर फिनिशर की भूमिका में होंगे, पांचवें नंबर पर खेलने आएंगे। छठे नंबर पर भी बड़ा फेरबदल दिखेगा। ऑलराउंडर महिपाल लोमरोर को यहां पर जगह मिल रही है जो कि राजस्थान के लिए दमखम दिखाते रहे और अब आरसीबी के लिए लंबे छक्के लगाएंगे और गेंदबाजी में भी मदद करेंगे। इसके बाद सातवें नंबर पर एक और ऑलराउंडर श्रीलंका के दिग्गज वानिंदु हसरंगा डिसिल्वा को रखा गया है। जी हां, लेग स्पिनर हसरंगा को खेलने में दुनिया भर के बल्लेबाज पानी भरते हुए दिखते हैं और इसके बाद ऊपर से लोअर ऑर्डर में वो लंबे लंबे छक्के भी लगाते हैं, इसीलिए आरसीबी के लिए धमाल मचाने को तैयार है वानिंदु हसरंगा। आठवें नंबर पर एक और ऑलराउंडर शाहबाज अहमद खेलने आएंगे। शाहबाज की लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कमाल की हो रही है तो उनकी बल्लेबाजी भी जबरदस्त है, लिहाजा उनको भी यहां पर टीम में जगह मिल रही है। इसके बाद नवे नंबर की बात करें तो यहां पर आरसीबी के महंगे खिलाड़ी हर्षाल पटेल खेलने आएंगे। हर्षाल पिछले सीजन पर्पल कैप विनर है और इस बार भी टीम के ट्रम्प कार्ड गेंदबाज साबित हो सकते हैं और साथ ही साथ बल्लेबाजी में भी वो कमाल की हिटिंग करते हैं। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि नौवे नंबर तक आरसीबी के पास फुल स्ट्रेंथ बल्लेबाजी मौजूद है जिसमें से छह खिलाड़ी ऑलराउंडर हैं यानी कि गेंदबाजी के जबरदस्त विकल्प हैं तो बहुत ज्यादा गहराई बल्लेबाजी में भी है। अब विशुद्ध गेंदबाजों की बात करते हैं जो सिर्फ दो ही टीम में नजर आएंगे और पहले हैं विराट कोहली के ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट मोहम्मद सिराज जो कि पेस यूनिट को लीड भी करेंगे और उनका साथ देंगे कंगारू तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड जो कि धोनी के सीएसके वाले स्कूल से यहां पहुंचे हैं और दोनों ही मिलाकर जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, दोनों की जुगलबंदी जबरदस्त यहां पर होने वाली है। तो कुल मिलाकर टीम जबरदस्त है, गेंदबाजी के आठ विकल्प मौजूद हैं लेकिन उसमें सिर्फ दो ही विशुद्ध गेंदबाज हैं और बाकी सभी बॉलर एक से बढ़कर एक और ऊपर से विराट और फाफ की ओपनिंग जोड़ी कमाल की लग रही है, धमाल मचा सकती है।
तो आपका इस टीम पर क्या कहना है, इस टीम के कॉम्बिनेशन पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं आरसीबी की टीम को लेकर। वीडियो को शेयर भी करें। तो दिल्ली की टीम हर बार की तरह इस बार भी धाकड़ ही नजर आ रही है और इस बार भी खिताब की प्रबल दावेदार दिल्ली कैपिटल्स की टीम मानी जा रही है। और सीधे दिल्ली की टीम पर ही आते हैं तो दिल्ली के पास इस बार शिखर धवन ओपनिंग में नहीं है, लेकिन फिर भी ओपनिंग पेयर शानदार होने वाला है क्योंकि दिल्ली के पास डेविड वॉर्नर जैसा धुरंधर है और वॉर्नर ने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के बाद जो अपना खेल बदला है, जो खेल दिखाया है और खासतौर पर T20 मैचों में, वो तो कमाल का है। इसीलिए वॉर्नर यहां भी धमाल मचाने वाले हैं और डेविड वॉर्नर के साथ होंगे पृथ्वी शॉ, जिन्हें दिल्ली ने रिटेन किया था और दिल्ली की ओपनिंग जोड़ी जबरदस्त और जानदार है। तीसरे नंबर की बात करें तो यहां पर दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत खेलने आएंगे। पंत का बल्ला भी हाल के दिनों में खूब बोल रहा है और यहां भी पंत से यही उम्मीद होगी। इसके बाद चौथे नंबर पर आएंगे तूफानी रोमन पावेल। जी हां, वेस्टइंडीज के रोमन पावेल, जिन पर कैरन पोलार्ड खासा भरोसा करते हैं और उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। वो सिर्फ 2 ओवर में मैच पलटने की क्षमता रखते हैं और इस बार वो दिल्ली के लिए खेलने जा रहे हैं और गेंदबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं, लिहाजा चौथे नंबर का बल्लेबाज दिल्ली के लिए सबसे धाकड़ होने वाला है। पांचवें नंबर की बात करें तो यहां पर एक और विदेशी खिलाड़ी मिशेल मार्शी खेलने आएंगे और जो बल्ले और गेंद के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम में भी धमाल मचाते रहे और उनका कोई सानी नहीं है। इसके बाद छठे नंबर की बात करें तो यहां पर ललित यादव को बड़ा मौका मिलने जा रहा है। ललित यादव पर दिल्ली ने एक बार फिर से भरोसा जताया और इसीलिए इस बार छठे नंबर पर ललित यादव को लगातार मौका मिलेगा। यादव जबरदस्त छक्के तो लगाते हैं, साथ ही साथ गेंदबाजी भी काफी अच्छी करते हैं। अब इन 3 ऑलराउंडर्स के बाद भी ऑलराउंडर्स की लिस्ट पूरी नहीं हुई है क्योंकि इसके बाद 7वें नंबर पर आएंगे लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। जी हां, शार्दुल को बड़ी रकम पर दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है और ठाकुर साहब इस बार दिल्ली के लिए धमाल मचाएंगे गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी। 8वें नंबर पर अगले ऑलराउंडर और स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल खेलने आएंगे, जिन्हें दिल्ली ने रिटेन किया था और अब जबरदस्त बॉलिंग अक्षर पटेल कर रहे हैं और उनसे यहां पर काफी सारी उम्मीदें दिल्ली को टिकी हुई है। अब यानी कि टीम में ऑलराउंडर्स की भरमार है और इसके बाद 3 विशुद्ध गेंदबाज टीम में रखे जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका के पेसर एनरिक नोकिया लगभग फिट हो चुके हैं और पहला मैच खेलेंगे, इसकी पूरी पूरी संभावना है और नोकिया दिल्ली के लीडिंग बॉलर एक बार फिर से होंगे, जबकि दूसरे तेज गेंदबाज होंगे बाएं हाथ के चेतन सकारिया। हालांकि बाएं हाथ के ही खलील अहमद भी दिल्ली के पास मौजूद हैं, लेकिन पहले मैच में सकारिया को बड़ा मौका मिलने जा रहा है और यहां पर तीसरे गेंदबाज और दूसरे स्पिनर होंगे कुलदीप यादव, जो कि लंबे समय बाद केकेआर से बाहर हैं और उन्हें उम्मीद है कि दिल्ली में इस बार उन्हें खूब मौके मिलेंगे और दिल्ली की टीम के लिए वो करके दिखाएंगे। कुलदीप ने पूरा पूरा भरोसा जताया है। तो कुल मिलाकर दिल्ली की टीम जबरदस्त दिख रही है, बस बदलाव की संभावना सिर्फ एक है, नोकिया की फिटनेस पर वो टिकी है। अगर आखिरी मौके पर नोकिया अनफिट हो जाते हैं तो फिर उनकी ही साउथ अफ्रीका से लुंगी अंगिडी को उनकी जगह पर टीम में खिलाया जाएगा, नहीं तो टीम फाइनल हो चुकी है, तय हो चुकी है। तो आपका इस टीम को लेकर क्या कहना है, कितनी ताकतवर है टीम और क्या मुंबई को हरा पाएगी, रोहित के लड़ाकों को हरा पाएगी, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।